वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं इंजीनियर खुर्शीद और आज के वीडियो में मैं लाया हूं गवर्नमेंट जॉब डिटेल्स। भारत सरकार का उपक्रम है मोबाइल लिमिटेड, तो यहां से जॉब्स आए हैं। इसमें कई तरह के जॉब्स हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिए और जान जाइए फुल जॉब डिटेल्स, फिर कर दीजिएगा अप्लाई। स्टार्ट करूँ फुल जॉब डिटेल्स, उसके पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए और उसमें नोटिफिकेशंस फॉर ऑल कर लीजिए, ताकि मेरा वीडियो जैसे ही अपलोड हो उसकी सूचना आपको तुरंत का तुरंत मिल सके। आप चाहें तो पेड मेंबरशिप भी ले सकते हैं, ताकि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कर सकूं जॉब फाइंडिंग में। और दूसरा रिक्वेस्ट आपसे यह है कि मेरा जो सोशल मीडिया का अकाउंट है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, उससे भी जुड़ जाएँ तो उससे भी आप लाभान्वित होंगे। कई तरह के जॉब्स मैं अपने ब्लॉग पे डालता हूँ, जिसका लिंक मैं अपने सोशल मीडिया पे डालता हूँ, तो उससे भी आप लाभान्वित होंगे। और अब चलते हैं आज के टॉपिक की ओर। जैसा बताया कि मोबाइल लिमिटेड से जो वैकेंसी आई है, ये इनका ऑफिशियल वेबसाइट है, तो इसी पे वैकेंसी आई है। लेकिन यहाँ पे जॉब नोटिफिकेशंस पूरा अभी तक अपलोड नहीं हुआ है। उसकी वजह यह है कि ये 25 अगस्त से आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन आप स्टार्ट कर सकेंगे और 15 सितंबर तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो ये डेट ध्यान रखिएगा। अभी इनके वेबसाइट पे सिर्फ इनका ये नोटिफिकेशन इतना ही आया है कि 25 अगस्त से आप अप्लाई स्टार्ट कर सकते हैं और 15 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और पोस्ट का जो जॉब डिटेल्स आया है न्यूज़पेपर में आया है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। ये अपॉइंटमेंट आया है, अपॉइंटमेंट नोटिफिकेशन, तो इसमें जो पहला पोस्ट आप देख रहे हैं एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पर्सोनल का है, एक नंबर वैकेंसी है। फिर दूसरा जो है मेडिकल सर्विसेज का है, सीनियर मैनेजर है और मैनेजर भी है, तो ये 6 नंबर वैकेंसी है। और जीटी मैकेनिकल में 4 है, जीटी इलेक्ट्रिकल में 4 है, मैनेजर सर्वे में 3 है, और सेलेक्ट ग्रेड माइन फोरमैन और ट्रेनी फोरमैन में 9 है टोटल, और माइन फोरमैन में 4 है, इसका कोड अलग है NE8। और इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का और ट्रेनी इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का 8 पोस्ट है। और माइन मेट का 13 है और ब्लास्टर का 12 टोटल वैकेंसी है, और एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का 2 है। तो ये इतना डिटेल्स है। फुल क्वालिफिकेशन डिटेल अभी तक इन्होंने नहीं दिया है। 25 अगस्त से आपको लिंक मिलेगा अप्लाई करने का, उसी वक्त फुल क्वालिफिकेशन डिटेल भी आपको आ जाएगा। वो आपको यहाँ से मिलेगा, वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे इनका ऑफिशियल वेबसाइट पे गए, ऑफिशियल वेबसाइट पे जाने के बाद आपको इनका रिक्रूटमेंट सेक्शन का एक लिंक है, ये आपको इस पे क्लिक करना है रिक्रूटमेंट सेक्शन पे। इसके बाद कैसे अप्लाई करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और इसका लिंक कहाँ पे आया है, अभी तक लिंक नहीं आया है। आज 21 अगस्त को मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये आपको 25 अगस्त को आएगा इसका लिंक, जब अप्लाई स्टार्ट होगा। लेकिन आप चेक कर लें कि कैसे आपको लिंक कहाँ पे मिलेगा। नेट स्लो है इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है, 1-2 सेकंड की बात है। ये इनका रिक्रूटमेंट सेक्शन का जो पेज है वो खुल रहा है, तो ये पेज खुल गया। तो इसमें जो आपका है ये दूसरे नंबर पर आज के डेट में है, ये जो एडवर्टीजमेंट आया है, तो इसमें व्यू का है,
ऑप्शन और रिक्रूटमेंट, ये पेज क्लिक करेंगे तो वो जो डेट है आपका 25 अगस्त और जो लास्ट अप्लाई डेट का जो है, जैसा कि आपको बताया ये 15 सितंबर, तो ये डेट वहाँ पे दिया हुआ है। और जो जॉब डिटेल्स है, जैसे यहाँ पे व्यू का ऑप्शन है, फिर अप्लाई ऑनलाइन का, जैसे दूसरे वैकेंसी के लिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का लिंक दिया हुआ है, वो लिंक आपको 25 अगस्त को यहाँ पे आ जाएगा, तो उस पर क्लिक करेंगे तो आपका टोटल क्वालिफिकेशन भी बताएगा, और फिर अप्लाई करने का आप जो भी डिटेल्स है आपका पर्सनल, वो सब भरना पड़ेगा। अभी अभी जो व्यू पे क्लिक करेंगे, तो अभी ज़्यादा डिटेल्स नहीं बता रहा है, ये सिर्फ हेडिंग बता रहा है, पोस्ट का नाम बता रहा है। और दूसरे पे जो क्लिक करेंगे तो ये जैसा ये बताया मैं आपको, ये डेट सिर्फ बता रहे हैं, और जो पोस्ट डिटेल आए हैं इनके न्यूज़पेपर में आए हैं नोटिफिकेशन, तो ये इसका है। ये आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दूंगा, तो वहाँ पे क्लिक करके ये जॉब नोटिफिकेशंस देख भी सकते हैं और डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि सारा जॉब डिटेल्स जो अभी अवेलेबल है वो मैं आपको बता चुका हूँ। 25 अगस्त का वेट कीजिए और फिर अप्लाई कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।